एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ मैं बच्चों की फरमाइश की टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो हो गया है, बन गया है और अभिनव जो है रेडी हो गए हैं, मगर एंजल को मुझे बहुत जल्दी जल्दी रेडी करना है। तो मुझे इन लोगों के लिए आज बनाना था आलू के पराठे और साथ में ले जा रहे हैं केचप। बहुत कम देती हूँ इसलिए मैं 15 का ही पैक मंगाती हूँ, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाए और बहुत बहुत दिन के बाद देती हूँ, क्योंकि सॉस जो होता है ना बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता है और एक्स्ट्रा खा भी लेते हैं। और हमारा जो सबसे मेन चीज़ होता है, हमारा डाइजेशन होता है, तो हम अपने बच्चों के डाइजेशन का ख्याल जो है ना बच्चे से ही रखें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, हमारे डाइजेशन के थ्रू ही हमारा पूरा बॉडी जो है काम करता है, और हमारा डाइजेशन ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी बात के साथ जल्दी जल्दी जो है मैं इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है और एंजल को ना मैं ही रेडी करती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है। तो ये रहा इनका यमी सा टिफ़िन, तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है आज का टिफ़िन। तो बस मैं यहाँ पैक कर दे रही हूँ सबका बैग में। पहले टिफ़िन और पानी ज़रूर डाल देती हूँ, ताकि मैं कितने बार जो है मिस कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने छोड़ दिया है तो ये लोग डाल लेंगे और ये लोग को इन लोगों को लगता है कि मम्मी डाल दी होगी। बस ऐसे में टिफ़िन और पानी छूट जाता है। अगर ऐसा होता है ना तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होती है, क्योंकि अगर उनका बच्चा भूखा रहे प्यासा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं इनको ना पीछे से भेज देती हूँ टिफ़िन, अगर लंच छूट जाता था और पानी, तो मैं इनके साथ भेज देती थी, मगर उनके उसके लिए जो है मुझे बहुत डांट खानी पड़ती थी कि मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। जाहिर सी बात है, डांटेंगे ही, क्योंकि ये मेरा काम है। तो ये मेरे ही अंदर में रहता है कि मैं जो है हर चीज़ करके दूँ। तो आज जो है ना, आज से फिर से इन लोग का छुट्टी ख़त्म हो गया है, और आज छुट्टी के ना समर वैकेशन के छुट्टी के बाद जो है फर्स्ट डे है इन लोगों का स्कूल का। और अभिनव का ड्रेस ना मिल गया, मगर एंजल का नहीं मिला। मैं दूसरे दिन जो जब गई ना, तब अभिनव का खाली मिला और इसका शॉर्ट हो गया था, मतलब ख़त्म था बच्चों का नाप का। तो कभी दूसरे दिन, मतलब इस सप्ताह के बाद जो है मंगवा दूंगी, मगर बहुत नखरे कर रही थी कि नहीं मुझे भी नया ड्रेस लेना है। तो अभिनव जो है खा भी चुके हैं और मैं इसका बाल बना रही हूँ और सारी चीज़ें हो चुकी है, बस बाल बनाना है। तो मैं इनको भी खाने के लिए दे दूँगी और फिर जो है बाहर चली जाऊँगी ब्रांडिक की क्लीनिंग करने के लिए। और जब तक मैं क्लीनिंग करूँगी, इनका टाइम जो है हो जाएगा, तो बस मैं इनको बस तक छोड़ के आऊँगी, फिर जो है सारा काम फटाफट से करूँगी। तो बस आज से मेरी जो है ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो गई है छुट्टी के बाद। और यहाँ ना अभिनव का आज नया ड्रेस था, और ये जो टाई होती है ना, पहले बच्चों का टाई जो होता है पीछे से बेल्ट वाला रहता है बांधने वाला, मगर इस बार ना अभिनव का जो टाई जो है खुद से बांधने वाला आया है। तो कल से लगे हुए थे सीखने में यूट्यूब से, और सीख के फाइनली जो है सीख भी गए हैं और अच्छा बना भी लेते हैं। तो डेली डेली बनाएंगे तो उनका अच्छा हो ही जाएगा। तो बस यहाँ एंजल की कर रही हूँ चोटियाँ और जल्दी जल्दी खिला पिला के इनको आऊँगी बस तक छोड़ के। तो फ्रेंड्स, बच्चों को बस तक छोड़ के और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। यहाँ जो है ना पराठे वगैरह बनाने के बाद बहुत मैसी हो रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था काउंटर टॉप, और मुझे ना गंदगी में खाना बनाने का मन नहीं करता। तो मैं जो है ना थोड़ा सा इसे जो है पोंछ ले रही हूँ कपड़ा भिगा भिगा के। उसके बाद जो है मुझे लंच बनाना है, क्योंकि जो पराठे बनाए हैं उसमें से 3 पराठे बच गए हैं, तो हस्बैंड के लिए काफ़ी है और मेरे लिए रात की 2 रोटियाँ बची हुई है, तो मेरे लिए वो काफ़ी है। तो हम दोनों का ब्रेकफास्ट ऐसे हो जाएगा। और मुझे लंच बनानी है, तो लंच में दाल चावल मैं चढ़ा दूँगी, सब्जियाँ कुछ घर में है नहीं, हस्बैंड लेके आएंगे तब डिसाइड होगा। फ्रेंड, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, बेल बटन हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ब्लॉग एंड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यहाँ मैं अपना हर्बल टी बना रही हूँ, यानी मैं जब भी खाली पेट जो है हर्बल टी या ग्रीन जूस ही ले लेती हूँ,
क्योंकि कुछ तो हेल्दी जो है ना सुबह सुबह जाना चाहिए, उसके बाद जो है आप जो खाओ पियो। तो बस यहाँ हर्बल टी लेके उसके बाद जो है मैं अपने सारे काम में लग जाऊँगी। साथ में जो है ना एक तरफ चावल और एक तरफ दाल चढ़ा दूँगी, ताकि वो सब्ज़ी लेके आए तो कोई भी सब्ज़ी जो भी लेके आएगा तो आएंगे तो बन जाएगा। और साथ में मुझे क्लीनिंग भी करनी है। तो दाल चावल चढ़ा के आप ना बहुत कुछ कर सकते हो। एक ऐसा यही चीज़ है कि आप चढ़ा के गैस पे और काम कर सकते हो, पकड़ के बैठना नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, दाल चावल बैठा देती हूँ, उसके बाद जो है मैं घर का कोई भी काम हो, भले झाड़ू हो, पोछा हो, क्लीनिंग हो, सामान ठीक करना हो, मैं सारा काम जो है दाल चावल चढ़ा के कर लेती हूँ। तो बस दाल चावल चढ़ा के मैं सारा काम स्टार्ट कर दूँगी। और इधर मेरी बन रही है चाय। तो बस दाल चावल मैं बैठा दूंगी और चलती हूँ। अब जो बेडरूम पूरा मैसी पड़ा हुआ है बच्चों को भेजने के बाद, जैसे कंघी हुए, तेल हुए, पाउडर क्रीम जितना है सब इधर उधर फैला रहता है। तो बस मैं आ गई हूँ अब बेडरूम में चाय पीने के बाद। उसके बाद मैं सारा जो है मैं ठीक करूँगी। और सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है, इतना सारा काम रहता है ना कि सोच के भी आदमी को परेशानी आ जाए, इसलिए बिना सोचे हुए ना काम में लग जाना चाहिए। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से पूरा बेडरूम को ठीक कर लेती हूँ। बेडशीट जो है ना मैसी हो ही जाता है, मतलब मैं तो आज सो के उठी थी तो उसके बाद मैं बेड नहीं ठीक की थी। और अब मुझे ना आज झाड़ू पोछा करना ही करना है, क्योंकि कल मैंने की नहीं थी। तो बस झाड़ू पोछा करने से पहले ना मैं बेड वैसे भी झाड़ देती हूँ, अगर बच्चे नहीं गए हुए रहते, बेड ठीक भी रहता ना, तो अगर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो पहले बेड मैं ठीक कर लेती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ फिर से बच्चों के रूम में, अब जो है मैं इनका रूम क्लीन करूँगी, उसके बाद जो है फिर जो है झाड़ू स्टार्ट करूँगी। बच्चों के जाने के बाद ना फ्रेंड्स बहुत सारा काम रहता है, जैसे बेड जो है बेडरूम जितना है इधर उधर तो करके रखते ही हैं। रात में ग्लास जो होता है पानी का दिखे टेबल पे रखा हुआ है, ब्रश जो सुबह करके गए हैं वो बेसिन पर ब्रश पेस्ट वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बस इन सब चीज़ों को समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरा मन रहता है ना, अगर हस्बैंड नाइट ड्यूटी में रहते हैं, तो आज नाइट ड्यूटी में है तो वो अभी तक आए नहीं है, जब वो नाइट ड्यूटी में रहते हैं ना तो मेरा मन करता है उनके आने से पहले मैं सारा काम निपट लूँ, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो मैं बात करने में भी कुछ समय जो है वेस्ट कर देती हूँ। और ये आटा मैंने कल मंगवाया था, तो बस आटा के डब्बा में इसको डाल रही हूँ। दाल जो है हो गया है, चावल अभी भी जो है पक रहा है धीरे धीरे। तो मैं यहाँ ना इसलिए इसको हटा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी करनी है पोछा। और तो बस झाड़ू पोछा करने के लिए जो है पूरा फर्श जो है इधर उधर जितना सामान है उसे हटाना ही पड़ता है। तो बस मैं यहाँ इसको हटा के उसके बाद फिर से बेडरूम से करने जाऊँगी झाड़ू। चावल अभी भी जो है बन ही रहा है, जब तक मैं आधा काम करूँगी ना चावल मेरा हो जाएगा, उसके बाद बीच में हाथ वाथ धो के और फिर से जो है मैं चावल का पानी निकाल दूँगी, और जब आएंगे तब देखूँगी सब्ज़ी क्या बनती है। तो बस यहाँ फटाफट से बैठ के लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि ना झाड़ू छोटा है, बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ, और बिना टाइल्स का है, कच्चा है, मतलब रुखड़ा है फर्श, तो बहुत टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ दरवाजे जहाँ जहाँ मैं डस्ट देखती हूँ वहाँ झाड़ते जाती हूँ झाड़ू करने के टाइम, जैसे खिड़की हो, दरवाजे हो, तो इन सब में ना डस्ट हो जाता है। तो साथ में झाड़ू के साथ साथ में ना डस्टिंग करते जाने से थोड़ा सा रूम जो है बहुत अच्छा साफ लगता है, क्लीन लगता है।
यहाँ झाड़ू ख़त्म हो चुकी थी और बेडरूम में पोछा कर चुकी हूँ, आगे लिविंग रूम भी कर चुकी हूँ। और मैं पहले लिविंग रूम करती हूँ, उसके बाद बेडरूम करती हूँ, उसके बाद लिविंग रूम से होते हुए जो बच्चों का बेडरूम है ये, और ड्राइंग रूम, उसके बाद किचन करते हुए लास्ट में मैं पीछे की तरफ जो है निकल जाती हूँ। तो बस यहाँ फटाफट से कर लेती हूँ पोछा। ऑलमोस्ट जो है मेरी क्लीनिंग अब ख़त्म होने वाली है और बनाऊँगी लंच। और इस पोछा के बाद ना मैं चावल ज़रूर देख लूँगी। तो देखिए चावल भी हमको मुझे लगता है हो ही गया है। अब हम जो है इसका पानी निकाल लेते हैं और दाल हो गई है, सब्जी है नहीं। तो पहले जो है चावल का पानी निकालने के बाद क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है, पोछा ख़त्म हो चुका है। तो देखिए ये मेरा लिविंग रूम है, क्लीन हो चुका है। अब जो है ये है बच्चों का बेडरूम, ये भी जो है क्लीन हो चुका है। देखिए कितने अच्छा तरह से बच्चे का बेडरूम है, मगर ये ना स्कूल से आते ही मैसी आपको दिखेगा। और ये है मेरा बेडरूम। तो क्लीनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और अब जो है हस्बैंड आ गए हैं सब्ज़ी लेके। तो देखते हैं सब्ज़ी में क्या क्या लेके आए हैं। तो ये है दही, दूध, और एक ही बार निकाल देती हूँ तो खीरा था और बैंगन था, ग्रीन वाला जो हरे वाले साग होते हैं ना वो था, आलू था। तो बस मैं जगह छोटी वाली करेली थी, तो मैं आज बनाऊंगी करेली और साग, और दाल चावल तो बना ही चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लंच। तो बस यहाँ जो है मैंने समेट लिया है सब कुछ, उसके बाद जो है दूध उबाल लूँगी, दही को निकाल के रख दूँगी, हस्बैंड बनाएंगे चाय, चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है सब्जियाँ बनाने के लिए मैं लग जाऊँगी। तो यहाँ जो है हाँ, और दही निकालने के बाद ना मैं अपने पपी को जो है खाना दे दूँगी, सुबह से बैठा हुआ है। दूध और दही घर में कुछ नहीं था, ख़त्म था, इसीलिए नहीं तो मैं उसको जैसे होता है ना बाहर बाथरूम वगैरह करवा के आती हूँ उसी टाइम उसको खाना दे देती हूँ। तो बस यहाँ रोटियाँ तोड़ रही हूँ दही डाल के, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके चीनी डाल के उसे अच्छे से मैश करके जो है उसको दे दूँगी खाने के लिए, तो वो खा लेगा। तो बस आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये है आज का हमारा लंच। बाय बाय।